नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रेनाइट की सीढ़ी लगाने में, यानी कि ग्रेनाइट के जो स्टेप होते हैं, वाइट टाइल का जो राइजर होता है ठाड होती है, और साइड में इस कटिंग भी ग्रेनाइट की देने के लिए जो पत्थर कितना लगता है एक पेड़ी में, एक सीढ़ी में जो स्टेप होते हैं हमारे 18 या 21 राइजर लगते हैं टोटल स्टेप है, तो उसमें जो कितना खर्चा आता है, पत्थर कितना लगेगा और फिटिंग चार्ज कितना आएगा और टाइल्स कितना स्क्वायर फुट लगेगी इसमें, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे तभी आपको पता चलेगा कि हमारे घर में जो ग्रेनाइट की सीढ़ी लगाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा। यह टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस घर में डबल मंजिल होने के कारण ये दो पेड़नाल यह लगाई है, लेकिन आपको जितनी भी लगानी है, एक सिंगल मंजिल है तो सिंगल के लिए हिसाब से बता देंगे कितना स्क्वायर फुट आपके घर में जो ग्रेनाइट लगेगा और कितना स्क्वायर फुट जो टाइल लगेगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारी जो सीढ़ी होती है 3.25 फुट या 3.5 फुट है, तो उसके हिसाब से जो ग्रेनाइट लगेगा। हम तो मान लेते हैं कि हमारी जो सीढ़ी होती है उसकी लंबाई है 3.5 फुट। इसके हिसाब से हम बताएंगे आपको कि कितना जो स्क्वायर फुट ग्रेनाइट लगेगा और कितना स्क्वायर फुट टाइल लगेगा, और जो बीच की जो ब्रास पट्टी आती है वाइट की वो कितना स्क्वायर फुट लगेगी, तो टोटल खर्चा इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारी जो ग्रेनाइट की सीढ़ी है उसमें कितना स्क्वायर फुट ग्रेनाइट लगा था। तो 3.5 फुट लंबाई पेड़ी हो गई और 21 स्टेप हो गई, तो 21 × 3.5 तो हमारा जो हो गया था 73 स्क्वायर फुट ग्रेनाइट, और 73 स्क्वायर फुट ग्रेनाइट होने की वजह से हमारा जो प्लस हो गया 50 स्क्वायर फुट है हमारी जो स्कटिंग है साइड की, तो उसके साथ में हम जोड़ लेंगे। तो साइड जो नीचे मोल्डिंग लगवाते हैं हम डबल मोल्डिंग, उसकी वजह से हमारी जो पट्टी होती है 1.5 इंची की, तो सारा माल हो गया 150 स्क्वायर फुट, यानी कि 150 स्क्वायर फुट हमारे जो ग्रेनाइट की सीढ़ी होती है उसमें ग्रेनाइट लगा था। और टाइल्स लगी थी हमारी वाइट टाइल 50 स्क्वायर फुट, क्योंकि दोस्तों हम जो कटिंग करते हैं 6 इंची का राइजर होता है या 7 इंची का जितना भी राइजर आता है उसके हिसाब से जो लास्ट में जो वेस्टेज माल निकलता है उसको हम साथ में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो लास्ट में हमारा जो वेस्टेज माल है काम नहीं आने वाला है, तो उसको हमने साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो 50 स्क्वायर फुट टाइल लगा था, ये जो हमारी जो वाइट टाइल है वो हमें मार्केट में 30 रुपये स्क्वायर फुट से मिली थी, और ग्रेनाइट है हमारा जो राजस्थान ग्रेनाइट है ब्लू डॉट वाला ग्रेनाइट वो हमें 70 रुपये स्क्वायर फुट से हमें मार्केट में मिला था। टोटल हमारा जो खर्चा हो गया इसका, तो हमारा जो ग्रेनाइट लगा था सीढ़ी में, तो उसके हिसाब से हमारे 10,500 रुपये हमारे जो ग्रेनाइट के लगे थे, और उसके अलावा जो हमारा जो टाइल्स होती है 50 फुट उसके हिसाब से हमारा जो 1500 रुपये टाइल्स के लगे थे, और उसके अलग से जो हमारा जो ब्रास पट्टी आती है वाइट की उसके जो 3.5 फुट माल लगा था उसका 1000 रुपये वो अलग से हो गया, और हमारी जो फिटिंग चार्ज है सीढ़ी लगवाने की वो हमारी हो गई कुल मिला के 15,000 रुपये। तो टोटल हमारे जो खर्चा आ गया था इस ग्रेनाइट की सीढ़ी लगवाने में 27,000 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई, तो वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए।